हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर आई लव गार्डनिंग से और आज मैं आपको बताऊंगी एरोकेरिया प्लांट की देखभाल के बारे में। एरोकेरिया प्लांट, जिसे नॉर्मली हम क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं, एक्चुअली ये पौधा बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि काफ़ी देखने में भी काफ़ी सुंदर होता है और ये क्रिसमस से रिलेटेड होता है, इसलिए बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पौधा जो है नॉर्मली हमारे एटमोसफेयर का नहीं होता है, इसलिए हमें इसकी ज़्यादा खास ख्याल रखने और देखभाल की ज़रूरत होती है। ये नॉर्मली पौधा जो है बहुत ऊंचे पहाड़ों पे ठंडे इलाकों में पाया जाता है, तो हमें इसे कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। हमें इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ सनलाइट तो आए पर सीधे धूप ना पड़े। इस पर अगर सीधे धूप पड़ेगी तो गर्मी की वजह से आपका पौधा सूख जाएगा, इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे ब्राउन होने लगेंगी और ये धीरे धीरे आपका पौधा सूख जाएगा। देखिए इस तरीके से, यहाँ मेरे यहाँ काफ़ी तेज़ धूप आती है और मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ मैं अंदर रख सकूँ, इसलिए इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरीके से ब्राउन होने लगेंगी। अच्छा, इसे वैसे तो ये सर्दियों का पौधा है बट इसे कोहरे से बचाना चाहिए। ये कोहरा अगर आपके पौधे पर पड़ेगा तो भी आपका पौधा जो है वो सूख जाएगा। बरसात के मौसम में हमें इसे ज़्यादा पानी से बचाना चाहिए कि पानी नॉर्मली बारिश का आए और निकल जाए, गमले में भरे नहीं, क्योंकि अगर आपके गमले में पानी भर जाएगा तो आपका पौधा जो है वो सूख जाएगा। एरोकेरिया के रूट जो होते हैं वो एकदम सीधी बढ़ती है, एकदम स्ट्रेट, तो अगर इसकी रूट मुड़ेगी तो भी ये पौधा सूख जाएगा। इसलिए हमें हर साल इसका, जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो, हमें इसका गम पॉट जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। पौधे को खाद के लिए हमें इसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद हम डाल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, हर चौथे महीने में हम डाल सकते हैं, 3 से 4 महीने में एक बार, ये ज़्यादा खाद नहीं लेता पौधा। इस पौधे की मिट्टी के लिए हम नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, बट कोकोपिट जो होती है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा नमी पसंद पौधा, मतलब ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए होता है और कोकोपिट में काफ़ी पानी रहता है। मैंने नॉर्मली देखा है कि जब भी कोकोपिट में इस पौधे को लगाया गया है तो ये पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके पौधे की पत्तियां लटकी लटकी हो रही हैं, मतलब सीधे नहीं हो रही हैं, थोड़ी मुरझाई मुरझाई सी हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका पौधा जो है वो ओवर वाटरिंग का शिकार हो रहा है और वो धीरे धीरे सूख जाएगा। जनरली इसके बढ़ने का समय जो होता है वो गर्मियों में होता है, विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है, बढ़ता है बट स्लो बढ़ता है। वैसे एरोकेरिया का जो प्लांट होता है ज़मीन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा पहाड़ों पे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उसी टाइप से ये ग्रोथ करता है। तो आप चाहें तो इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, बट वही आपको उसे छायों वाली जगह पे लगाना होगा। तो ये थी मेरी जानकारी आपके लिए एरोकेरिया प्लांट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको प्लांट के बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें।